सब्जियों के दाम मांग और पूर्ति के अनुसार चलते हैं। जब डिमांड अधिक होती है, पूर्ति कम होती है, तो दाम बढ़ जाते हैं, और जब अगर पूर्ति ज़्यादा हो रही है और डिमांड नहीं है तो दाम बेहद कम हो जाते हैं। इन दिनों टमाटर के जो दाम हैं वे बेहद कम हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो व्यापारी है वो टमाटर बेचने के लिए यहाँ पर काफ़ी परेशान है। टमाटर की यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है, ख़ास तौर पर टमाटर की डिमांड नहीं होने की वजह से इसके दाम पर असर पड़ा है, और जिन किसानों ने टमाटर की फसल की है उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी है, क्या लग रहा है टमाटर के दाम अभी कितने हैं? ये 300 रुपये ग्रेड बिक रही था, 20 किलो 22 किलो इसकी भर्ती होती, 15 रुपये 16 रुपये किलो समथिंग के बिक रही है टमाटर। क्या लगता है अभी क्या भाव होना चाहिए कायदे से? इसका 700 रुपये ग्रेड होना चाहिए भाव, आधे से भी कम भाव, आधे से भी कम भाव है। क्या लग रहा है आपको, आप भी टमाटर का व्यापार करते हैं, क्या लग रहा है आपको कितने दिनों? अरे किसान को पैसे, अब ये देखो ये छर्री 150 में बेची, 170 रुपये इसका भाड़ा है, 30 रुपये गिरे से उसको जाएंगे, यानी उसको खर्चा नहीं निकल रहा है, महाराष्ट्र का रहा खर्चा नहीं निकल रहा, किसान व्यापारी का खर्चा नहीं निकल रहा। लगता है डिमांड क्यों नहीं कम है इसकी? बारिश होने की वजह से डिमांड कम है, बारिश होने की वजह से, और क्या है, ये माल भी सड़ रहा है, कम में बेचना पड़ता है, उधर से माल की गाड़ियों की आवक आती है, ये जैसे रुक गई गाड़ी तो वो कम में बेचना पड़ती है, अच्छा माल भी उसके बाद फिर अच्छा माल भी कम भाव बिकता है, खराब होने से अच्छा माल भी कम भाव बिकता है, व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। अब कोई, अरे व्यापारी तो बेचारे इतना नुकसान है, वो उसकी क्रेट पूरी सड़ गई, 500 की ले गया, अब उसका तो कुछ भी नहीं आया, वो 500 का कर्जदार हो गया, मतलब कुल मिला के भाड़ा भी नहीं निकल, भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा, और यहाँ का व्यापारी भी नुकसान उठा रहा है। कब तक संभावना है भाव जो है बारिश रुकेगी? जब उसके बाद ही साहब इसके भाव बढ़ेंगे, बारिश के ऊपर, इसके बाद ही, बारिश के कारण इसकी गिरावट कमजोर है, इस वजह से भाव में बहुत गिरावट है यहाँ पर। वैसे तो टमाटर की काफी डिमांड रहती है और इसके भाव हर साल उछाल पर रहते हैं, लेकिन आसमान से जो बारिश हो रही है उसका असर सब्जियों के दाम पर पड़ रहा है, खास तौर पर टमाटर की फसल करने वाले किसानों को बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। विक्रम सिंह जाट, ABP News, उज्जैन।